उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों अभ्यर्थियों का जो 6 साल का एक वनवास की बात करें या फिर जो इंतज़ार है वह खत्म हो सकता है। यहाँ पर वर्ष 2025 की बात की जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संपूर्ण संभावना है। साथ में यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 8,905 पद भरे जाने हैं और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो डिटेल है वह भी कहीं ना कहीं आयोग को जो है वो भेज दिया गया है। इसके पहले भी एक वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये भर्ती जो आपकी एक तरीके से जब आप बात करते हैं प्रवक्ता को लेकर के एलटी ग्रेड पुरुष और महिला की भर्ती, प्रवक्ता महिला पुरुष महिला, उसके बाद इस भर्ती के बाद में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि जूनियर हाई स्कूल में चयन प्रक्रिया जो है वो जल्द देखने को मिलेगी। सीएम ने दिया आश्वासन, शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भेजा 5वां रिमाइंडर। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1507 पदों पर 3 साल से अटकी है भर्ती, इसको भी शुरू करवाने की बात जो है वो की गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जूनियर एडेड की बात हो गई, एलटी ग्रेड प्रवक्ता की बात हो गई, बात आती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को करके, तो अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। यहां पर लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। और यहां पर हम आपको बता दें कि इसमें इन्होंने यह भी चर्चा की कि आपका प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे। अब एक चीज हम आपको बता दें कि संभवतः आपने ऐसी खबरें न्यूज़पेपर्स में इसके पहले भी देखी होंगी, पहले के न्यूज़पेपर में भी ऐसी खबरें आते रही हैं, न्यूज़पेपर भी पहले का आपका हो सकता है, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एलटी ग्रेड और इन भर्तियों के बाद जहां पर अध्याचन भेजा जा चुका है, मतलब अब पूरी तरीके से उस भर्ती की कहीं ना कहीं जो है अब तैयारी चल रही है 8,905 पदों की। साथ में जूनियर एडेड जो है वो क्लियर होगा और 1,42,000 पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभी तक कहीं नहीं गए हैं, रिक्त पद हैं। सरकार की बात करें तो 2027 में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में उस पर भी अब दबाव ये रहेगा कि जो शिक्षक भर्ती है जो कहीं ना कहीं 2018 में पिछली बार दी गई थी, अब उस पर विचार किया जाए, जो नई शिक्षक भर्ती है उसे दिया जाए। यहाँ पर कुछ भी और अपडेट मिलेगा तो हम आप सभी को उससे अवगत ज़रूर करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।